इसी के साथ रुक करते अगली बड़ी खबर का। अगली बड़ी खबर हिमाचल से, जहां हिमाचल से हम आपको इस वक्त का अपडेट बता रहे हैं। बता दें, राज बदला, रिवाज कायम, कांग्रेस बहुमत से 4 सीटें आगे। हिमाचल में 39 सीटों पर आगे कांग्रेस, 26 सीटों पर सिमटी भाजपा। बीजेपी के 5 मंत्री भी आ रहे। जयराम ठाकुर ने सीएम पद से दिया इस्तीफा। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जयराम ठाकुर ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। बहुमत संभालना कांग्रेस के हाथ। जयराम ठाकुर ने कहा कि अब बहुमत संभालना कांग्रेस के हाथ, मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हिमाचल से, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। हिमाचल में भी आज विधानसभा चुनाव की मतगणना सुबह से ही शुरू हो गई थी, और उसी में से एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां राज बदला, रिवाज कायम, कांग्रेस बहुमत से 4 सीटों से आगे हिमाचल में 39 सीटों पर आगे कांग्रेस। वहीं बीजेपी की बात करें तो 26 सीटों पर ही बीजेपी सिमटी नजर आ रही है। बीजेपी के 5 मंत्री भी जो है हार चुके हैं। जयराम ठाकुर ने भी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि बहुमत संभालना कांग्रेस के हाथ, मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। बड़ा इलेक्शन अपडेट हम आपको हिमाचल प्रदेश से दे रहे हैं, जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला देखा गया। और जो अपडेट्स आ रहे हैं उसमें हम आपको बता रहे हैं कि राज बदला और रिवाज कायम जो है, कांग्रेस बहुमत से 4 सीट से आगे। कांग्रेस जो है 39 सीटों पर अपना कब्जा जमा चुकी है। वहीं बीजेपी महज 26 सीटों पर ही सिमटी नजर आ रही है। बीजेपी के 5 मंत्रियों की सीधे तौर पर हार यहां पर नजर आ रही है, और कांग्रेस लगातार बढ़त की ओर नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको हिमाचल प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पर लगातार नतीजे जो भी आ रहे हैं उसका अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जिसमें कांग्रेस जो है लगातार बढ़त की ओर दिखाई दे रही है। कांग्रेस 39 सीटों पर अपना कब्जा जमा चुकी है। वहीं बीजेपी महज 26 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। 5 सीटों पर सीधे तौर पर जो है बीजेपी प्रत्याशी हार चुके हैं, और कांग्रेस ने अपना किला जीत लिया है हिमाचल प्रदेश में। तो आज गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने थे, जहां गुजरात में बीजेपी ने अपनी जीत का परचम लहराया था। तो वहीं अब बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस किला तोड़ती नजर आ रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि हिमाचल में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हाथों में मिठाई है, चेहरों पे मुस्कान है, और कांग्रेस की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। लड्डू खाओ और खिलाओ। भारत जोड़ो यात्रा भी एक मुद्दा थी हिमाचल में, बहुत ज्यादा उसका समर्थन किया गया। इसी के साथ एक बड़ा अपडेट आपको ये भी दे दें कि जयराम ठाकुर ने जो है सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि बहुमत संभालना कांग्रेस के अब हाथ में है, और मजबूत विपक्ष की वो भूमिका निभाएंगे। लड्डू खाओ और खिलाओ। हिमाचल से बड़ा इलेक्शन अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां राज बदला, रिवाज कायम, कांग्रेस बहुमत से 4 सीटों से आगे, और 5 सीटों पे जो है साफ तौर पर भाजपा की हार देखने को मिली है हिमाचल प्रदेश में। और कांग्रेस का जोर, दबदबा नजर आया है। हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे जो है पहले राउंड में इसके चुनाव हुए थे, और आज सुबह लड्डू खाओ और खिलाओ। हिमाचल से आई आवाज, हिमाचल से आई आवाज।